चलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और यह है आपकी रिवीजन वाली क्लास हो रही है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इट। सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मैंने मल्टीप्लीकेशन के बारे में सिखाया था बेटा, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम लोग सेम साइन का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ये रूल है बच्चों, सेम साइन का मल्टीप्लाई कराने पर प्लस आता है, और बच्चों डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कराने पर, ठीक है, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कराने पर माइनस आता है। क्या सारे बच्चे ये याद कर पा रहे हैं, रिमेम्बर कर पा रहे हैं? यस सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम लोग अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इंटीजर्स के लिए, है ना। इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीखेंगे। स्टार्ट करूँ मैं? अच्छा, तो बेटा देखो, इसको अगर आप चाहते हो सीखना तो कुछ बातें मेरी माननी पड़ेंगी। क्या है वो बातें? दरअसल अगर मान लो आप सेम साइन के नंबर को ऐड करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल तो चलो समझा देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 18, 18 प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे 18 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। यहाँ से देखो, आप तो सर 18 के पहले तो कोई चिन्ह ही नहीं लिखा है, कोई साइन ही नहीं लिखा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी भी नंबर के पहले कोई साइन ना लिखा हो तो उसको प्लस माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बेटा जो 18 है वो प्लस में है, 3 जो है वो प्लस में है, सेम साइन है। तो बच्चों रूल ये कहता है कि जब भी किसी दो नंबर्स का सेम साइन हो तो वह नंबर्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। जब ऐड हो जाएंगे तो 18 और 3 को ऐड करके बताइए क्या होगा? तो बच्चों 18 और 3 होता है 21, ठीक है, 21। सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो आप सबसे बड़ा वाला नंबर देख लो, तो बेटा यहाँ पे 18 और 3 में बेटा बड़ा, सॉरी, बड़ा कौन है बेटा? इसमें बड़ा कौन है? 18 है, और 18 जब बड़ा है तो इसके पहले का जो साइन होगा वही तो आएगा। तो आप यहाँ पे +21 लिख सकते हो, या फिर प्लस को नहीं भी लिखा जाता है, दोनों बातें हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है +21, तो बेटा यह 21 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा बच्चों, मेरी एक बात बताइएगा, दरअसल मेरी आवाज साफ आ रही है? साफ आ यस रही है? सर। अच्छा, सर तो जिस बच्चे को, है ना, जिस बच्चे को अभी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, साउंड के लिए, वह क्लास को थोड़ा रीजवाइंड कर लीजिए आप। ओके, तो बेटा ये हो गई साइन सेम वाले की। अच्छा एक कंडीशन और होती है सेम, सॉरी, सेम साइन वाले में एक और कंडीशन होती है। क्या होती है? मान लो अगर लिखा हो -18 प्लस -3, तो ये भी सेम साइन है। कैसे है? उसके लिए आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ना, प्लस और माइनस का गुणा कराओ यानी मल्टीप्लाई कराओ। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराने पर माइनस आता है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर माइनस आएगा यानी -3 हो जाएगा। अब देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि सेम साइन है। और जब सेम साइन है बच्चों तो ये हो एक तरीके से ऐड हो जाए। 18 को 3 के साथ में ऐड कर दीजिए, 21 आएगा। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो मैं कहूंगा कि आप सबसे बड़ा वाला नंबर को कंसिडर करो, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें बड़ा नंबर कौन है? 18 है। 18 के पहले क्या है? माइनस। तो आपका उत्तर बनेगा क्या? माइनस, -21। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके बेटा, तो ये है ना, ये एक कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हुआ। चलो एक कॉन्सेप्ट और है, उस दूसरे वाले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? तो दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में ये करते हैं कि साइन सेम नहीं होगा बेटा, ठीक है, साइन सेम नहीं होगा। अभी तक सेम था तो हम लोग नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब अगर साइन डिफरेंट होगा तो नंबर को सबट्रैक्ट करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल को तुम समझा देते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बेटा 15,
ठीक है, 15 लिखा हुआ है और इसके बाद माइनस 3 लिखा हुआ है, तो 3 का जो साइन है वो माइनस में है, 15 का जो साइन है बेटा प्लस में है, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 15 में से 3 जाता कितना आता है, 12 आता है। अब आप पूछोगे सर इसमें से कौन सा वाला साइन हम लोग पिक करेंगे, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, तो मैं कहूंगा जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लिखो। बड़ा वाला नंबर 15 है, 3 तो छोटा है ना बेटा, 3 छोटा है तो 15 बड़ा है, एंड दैट्स व्हाई इसका जो साइन होगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि 15 का साइन भी प्लस में है, तो प्लस का 12 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, अब एक है ना, एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है माइनस 15 और तब जाके प्लस 3 लिखा हुआ है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखना बेटा आप देखो ये जो 15 है वो माइनस में है, ये जो 3 है वो प्लस में है, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान से ये देखो, ये जो 15 है वो ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस 12 लिखेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं आप लोगों को उस करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आपको अब करना है ये वाला पहला वाला क्वेश्चन, करके दिखाओ मुझे बेटा, करके दिखाओ। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों का करेक्ट है। देखो ये 12 है प्लस में, ये 4 है प्लस में, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है, और जो इसमें ग्रेटर नंबर है वो कौन है, 12 है, और 12 के पहले कुछ भी नहीं लिखा यानी कि प्लस में आएगा आंसर, तो आंसर यहाँ भी प्लस में आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाले का, ओके बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये भी माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है ना, दोनों का सेम साइन है। अब आपको सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन किस बात का, कंफ्यूजन सर इस बात का है कि ये प्लस लिखा हुआ है, इससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सिखाता हूँ कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो माइनस 12 है, प्लस है, और बेटा माइनस 4 है, ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको आप ओपन करो, तो माइनस 12 लिखोगे, और देखो बेटा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराने पर माइनस ही आता है, मैंने ये आपको सिखाया है। अब देखो, अब तो सेम साइन हो गया, अब तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो अब अगर आपने देख लिया कि सेम साइन है, सिंपल ऐड कर देना है, 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 को 16 लिख दो। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, 12 के पहले माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस 16। इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा क्लियर है? यस सर। ओके बच्चों, ओके चलो। यस सर। हाँ, अब मैं कुछ और सवाल देता हूँ, तो ये रहा आपको लगाने के लिए क्वेश्चन, इसको लगा के मुझे तो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बच्चों उसका आंसर क्या आएगा। ओके बेटा, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। चलो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, ये माइनस 12 लिखा है ना, यानी कि माइनस में है, और ये बेटा सिर्फ 4 लिखा है, यानी कि
अलग अलग साइन है, और अलग अलग साइन होने पे, डिफरेंट साइन होने पे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो 12 में से 4 सबट्रैक्ट करोगे तो 8 लिखोगे। अब 12 इसमें बड़ा नंबर है और इसके पहले माइनस है, तो यानी कि -8 आपका फाइनल आंसर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस ओके बेटा, इसी प्रकार से इसका ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको भी करके मुझे बताइए कि इसका दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा। दूसरे वाले का आंसर बताइए बच्चों। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब ध्यान से देखो, आप कहोगे सर यहाँ भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लस और माइनस लिखा है, सर कैसे कंफ्यूज ना हुआ जाए। चलो मैं इसको सिखा देता हूँ। मान लो ये लिखा है 12, बीच में है प्लस, तो आप ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ब्रैकेट से चीजें सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, ब्रैकेट बना दो। अब देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओ, मैंने बहुत बार सिखाया अभी, है ना। तो बेटा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराने पे माइनस आ जाएगा, तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप कहोगे सर ये प्लस में हो गया माइनस में, तो मैं कहूंगा जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन देखो। तो बड़ा वाला नंबर 12 है और उसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस का साइन है, इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा और टफ सवाल बताऊंगा। बेटा एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, है ना, एक सेकेंड रुकिए। बताओ बेटा मेरी स्क्रीन फिर से दिखाई देने लगी कि नहीं? यस ओके बेटा, सर ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। जितने भी टफ टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आप सभी को सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है 12 + 4 - 11, ठीक है। तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन है 12 + 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है -11। देखो कैसे सॉल्व करना होता है। देखो बेटा जब 2 से अधिक नंबर हो ना, सबसे पहले क्या किया करो आप लोग, पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। तो 12 लिखोगे, ये 4 लिखोगे, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करा के माइनस लिखोगे, ठीक। अब इसके बाद से क्या करते हैं, तो बच्चों जब भी 2 से अधिक नंबर्स हो तो आप दो दो नंबर का पेयर बना करके सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो हमने 2 नंबर का पेयर बना दिया, पेयर मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने आगे से बनाया तो आप भी आगे से बनाओ। बेटा आप अगर मान लो आपका मन कर रहा है पीछे से बनाने का पेयर, तो पीछे से बनाने का मन कर रहा है तो पीछे से बना लो, है ना, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आगे का ये पेयर बनाते हैं, ठीक है, ये अपने मन में ही पेयर बना देंगे, ये इस टाइप से लाइंस नहीं खींचेंगे ना, ये जो मैंने खींचा हुआ है बेटा इस तरीके से आप लाइन नहीं खींचोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए रख रहा हूँ, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो आप ध्यान से देखो, ये 12 है प्लस में, ये 4 है प्लस में, दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 12 एंड 4 कितना होता है, 16 होता है। चलो इन दोनों को जोड़ने पे 16 आ गया। और बेटा ये वाला जो -11 है, ये तो अभी तक हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया, तो फिर से लिख दो एज इट इज -11। अब 16 और -11 लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना। तो 16 में से 11 जाता कितना आता है बेटा, 5 आता है। सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में हो गया माइनस में, तो मैं कहूंगा बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन देखो, तो बड़ा वाला नंबर 16 है तो आंसर बनेगा प्लस का 5। आप कहोगे सर प्लस लिखना जरूरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इरेज कर दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चों को क्लियर है? ओके बेटा, हाँ आई थिंक अब आप लोग सीख चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई, एंड दैट्स व्हाई अब आप लोग आंसर करोगे। चलो इस दूसरे वाले का आंसर बताओ, आप सभी लोग अपने मन से आंसर दो। अब मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद बताओ। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं ये, जो 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दूसरा करके मुझे बताइए चैट सेक्शन में, तीसरा और चौथा बाद में करिएगा जब मैं बोलूंगा तब,
चलो एक बच्चे का -25 आ रहा है, ओके एक बच्चे का -25 आ रहा है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सही दिया है आंसर या गलत दिया है। एक बच्चा -26 लिख रहा है, ठीक है, एक बच्चा -25 फिर से लिख रहा है, ओके एक बच्चे ने -27 लिखा है, ठीक है ठीक है बेटा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ओके तो करेक्ट आंसर बताइए सर। साहिल कुमार के नाम से जो बच्चा है -27 होगा, अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो जो बच्चे -27 बोल रहे हैं ना, जितने भी बच्चे -27 बोल रहे हैं सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है, और जो बच्चे -25 -26 बोल रहे हैं उन सारे बच्चों का गलत आंसर है, ठीक है। कैसे ये गलत है मैं सिखा देता हूँ आप सभी को। सर गलती से -5 हो गया था। हाँ कोई बात नहीं मैं सीखा। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग तो ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 4 लिख दो, फिर इस वाले प्लस और इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस आएगा, तो -11 लिख दो। अब बच्चों देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोगों का जो साइन है वो क्या है, सेम है। अब बच्चों जब सेम होता है तो हम लोग ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों, बच्चों ऐड बताओ। करते बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। आप कहोगे सर आप दो दो लोगों का पेयर बना के सॉल्व नहीं करोगे, तो बेटा उससे भी सेम हैं। आंसर आएगा, है ना। चलो मैं दो दो लोगों का पेयर ही बना करके कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि दो दो लोगों का पेयर बना के सर सॉल्व करें, चलो मैं दो दो लोगों का पेयर बना के सॉल्व कर देता हूँ, जैसा कि मैंने सिखाया था। देखो बेटा ये माइनस में है और ये 4 भी माइनस में है, सेम साइन है, ऐड जाएगा 12 और 4, यानी कि 12 एंड 4 बेटा 16 होता है, बड़ा वाला नंबर 12 है, तो 12 के पहले माइनस है तो -16 लिखेंगे। अब इस वाले -11 को एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चों इस वाले का साइन माइनस में है, इस वाले का भी साइन माइनस में, यानी कि जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। 16 एंड 11 बेटा होता है 27, एंड जो ग्रेटर नंबर है वो आपका 16 है, और 16 के पहले माइनस है, तो इसी का मतलब इसका आंसर आ जाएगा -27। सभी सबने लोग नोटबुक खुली किया है। अच्छा आप लोगों ने नोटबुक में पिक किया है, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, ठीक है। मैं आपकी कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, चलो ठीक है बढ़िया बेटा, आगे कंटिन्यू करें। यस सर ठीक है एक सेकेंड, हाँ बेटा दो क्वेश्चन मैंने करवा, थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको अपने मन से करो और आंसर बताओ आप लोग चैट सेक्शन में, और हो सके तो अपना नोटबुक भी चेक करवाओ आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों कितना आ रहा है, ओके ठीक है ठीक है। तो कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं और कुछ बच्चे -19 बोल रहे हैं ना, कंट्राडिक्शन। सर नोटबुक चेक कर लो। हाँ, बिल्कुल काजल आपका करेक्ट आंसर है, काजल ठीक है। सुटेबल गेमर आपका भी करेक्ट आंसर है, अवधेश चौधरी यस आपका भी करेक्ट है, ठीक है। चलो हालांकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है चैट बॉक्स में, और अधिकतर बच्चों का मैंने देखा कि ठीक था, ठीक है, अधिकतर बच्चों का मैंने देखा था कि ठीक। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा रिया के नाम से जो बच्ची है बेटा, आपका उत्तर कितना आया है मैं देख नहीं पाया, क्योंकि आपने कट
कट कर लिया था इसलिए मैंने देख नहीं पाया। कितना लिखा है वो, 3 लिखा है, 15 लिखा है, क्या है वो? माइक ऑन कर दीजिए सर। मोनू, मोनू करेक्ट आंसर है, ठीक है करेक्ट सर। वो 3 है, गलती से 2 लिख गया। अच्छा बेटा करेक्ट। तो देखो बेटा ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखना बेटा मैं यहीं पे कर देता हूँ, माइनस 12 प्लस 4, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर दो, मैंने कहा था कि बेटा किसी का भी पेयर बना के सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो मैं ये इन दो लास्ट वालों का पेयर बना लेता हूँ अब, है ना। आपको सर पहले वाले का क्यों नहीं बनाया? बेटा आप पहले वाले का बना लो तब भी आंसर आ जाएगा। तो माइनस 12 को एज इट इज लिख दो। देखो ये 4 प्लस में है, 11 भी प्लस में है, सेम साइन है, जुड़ जाएगा। 11 और 4 कितना होता है? 15 होता है, ओके। अब देखो ये 15 प्लस में है, ये 12 माइनस में है, अलग अलग साइन है तो सब अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 15 में से 12 हो जाता है बेटा 3 आता है, 3 को 3 लिख दो। अब आपको कि सर प्लस में होगा या माइनस में होगा, मैं कहूँगा बड़ा वाला नंबर देखो, बड़ा वाला नंबर 15 है और उसके पहले प्लस है, तो आपका आंसर भी प्लस में आएगा, यानी कि 3 वाला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बच्चों अब इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग अपने मन से, फोर्थ वाले का आंसर बताओ। इनफैक्ट मैं कुछ कॉपियां भी देख पा रहा हूँ, जैसे सुटेबल गेमर के नाम से एक बच्चा है, 5 आंसर आया इनका, करेक्ट है रिया आपका भी ठीक, ओके चलो बहुत बढ़िया। ठीक है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे बेटा। तो 12 का ठीक है, 12 प्लस 4, अच्छा ये देखो प्लस और माइनस है तो ये मिलकर के माइनस हो जाएगा। मैंने कहा था कि दो लोगों को पेयर बना लेना, है ना। चलो अब मैंने आपकी बार मैंने सबसे पहले वाले जो दो लोग हैं उनको पेयर बना दिया। 12 और 4 सेम साइन है, सेम साइन जुड़ जाते हैं, तो 12 एंड 4 कितना होगा? 16। माइनस 11 को माइनस 11 लिखेंगे। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ सर? अच्छा yes, बच्चों मैं इसी पर आधारित इसी पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आप सभी लोगों से पोल में। यस सर, यस सर, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को इजिली विजिबल हो, किसी को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा बेटा देखो ये डेसिमल नहीं है, ठीक है। चलो बेटा अब मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ। बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया है, ठीक है। पोल में आंसर करिए आप सभी बच्चे, सभी बच्चे पोल में आंसर करिए। देखिए बेटा मैंने जिस तरीके से सिखाया है वैसे आंसर करिएगा, ठीक है। सर स्कोर सर हो गया? हाँ बेटा स्कोर मैं बता देता हूँ सर, हो गया। ओके ओके तो 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। अच्छा ये बढ़ गया क्या? हाँ बढ़ गया, इस समय 11 हो गया है, 11 बच्चों का करेक्ट है और बेटा 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। इस समय 14 हो गया, इस समय 14 हो गया, ओके बच्चों ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बेटा 17 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है और 5 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे बेटा। जल्दी से आंसर करिए।
20 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका। ओके नाउ आई एम डिलीटिंग द पोल सेक्शन, बेटा डिलीट कर दिया जाए। यस सर। ओके सर ठीक है, ठीक है। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हो एंड इवन आप अपने ना चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो करेक्ट आंसर है ना। सुटेबल गेमर के नाम से जो बच्ची है बच्चा है करेक्ट आंसर है। और हाँ सचिन यानी कि काजल का भी ठीक है, उत्कर्ष का भी ठीक है। एक सेकेंड यार, अच्छा ये रिया है क्या? हाँ रिया, रिया आपने क्या लिखा है बेटा? -19 ही लिखा है ना? करेक्ट। यस सर। हाँ करेक्ट, अफजल करेक्ट आंसर, ग्रीषम करेक्ट आंसर। ठीक है चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा ये -11 लिखोगे आप, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी माइनस में आएगा, फिर से प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में आएगा बच्चों। ठीक है देखो ये और ये तीनों सेम साइन है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐड कर दो या तो आप अलग अलग पेयर बना के भी कर सकते हो। ठीक है तो मैं इस बार डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि सेम साइन है, सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 11 5 कितना होता है 16, एंड 16 and 3 कितना होता है 19, तो 19 को 19 लिख दीजिए। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है 11, और 11 के पहले माइनस है यानी कि -19 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ चुका? यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। आप कहोगे सर ये तो पहले वाले का ही तो है, पहले वाला जैसा ही तो है, तो बेटा एग्जैक्टली पहला वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा एग्जैक्टली पहला वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले वाले का जो आंसर आया है इसका भी वही सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से इसको लगाइएगा। ये भी एकदम न्यू क्वेश्चन है, पहले वाला नहीं है। पोल नहीं छोड़ा। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? सर पोल हो रहा था। अच्छा तो बेटा पोल सेक्शन ऑन हो चुका है एंड सर हो गया। हो गया सर। फाइव स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है। ठीक है फाइव स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है और टू स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है बाकी लोग भी कंफर्म करिए। बाकी ने भी आंसर बताओ बच्चों। ओके बच्चों अब मैं पोल को बंद कर दूं, क्या आप लोग अभी आंसर करोगे? नो सर। नो सर। नो सर।
ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट। आप लोगों ने भी चेक करा लीजिए। यस, काजल का ठीक है, सुटेबल गेमर का ठीक है, अवधेश का ठीक है, और कौन से बच्चे हैं? रिया दिघालिया करेक्ट आंसर। आयुष का, हाँ आयुष, यस करेक्ट है, ठीक है। चलो अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा ये -11 इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बनाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बनाता है। मैंने कहा था दो दो लोगों का पेयर बना लीजिएगा, चलो मैंने शुरुआत के दो लोगों का पेयर बना लिया, अब लास्ट के दो लोगों का भी पेयर बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो 11 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, यानी कि डिफरेंट साइन है, सब अट्रैक्ट हो जाएगा। 11 में से 5 जाता है कितना आता है बेटा? 6 आता है। आपको सर माइनस कैसे लिख दिया आपने? बेटा जो 11 है वो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले माइनस है, तो -6। अब ये -3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सेम साइन है, मतलब सेम साइन है बच्चों, ये दोनों नंबर आपस में ऐड जाएंगे तो 6 और 3 कितना होता है? 9। अब आप कहोगे सर ये प्लस में हो गया माइनस में, मैं कहूंगा कि सर सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका साइन देखो, उसका साइन है माइनस, तो -9 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे कंटिन्यू करें बेटा हम। यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। चलो बेटा मैंने पोल को ऑन भी कर दिया ना, पोल को मैंने ऑन भी कर दिया, आप लोग अपना आंसर चूज कर सकते हो, आप लोग अपना आंसर चूज कर सकते हो। सर हो गया, सर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हो गया। ओके बच्चों, ओके। सर हो गया। गुड। आई हैव डन सर। स्कोर बोर्ड। सर स्कोरबोर्ड। ओके बेटा, तो स्कोर कुछ इस तरीके से है कि 19 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है एंड ओनली 3 स्टूडेंट्स हैव गिवन इनकरेक्ट आंसर, बट अगर वो लोग कोशिश करें है ना, तो उन लोगों का भी आंसर करेक्ट हो सकता है। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, मैं आई एम टर्निंग ऑन चैट सेक्शन। ओके सर।
ओके अच्छा ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ उत्कर्ष का आंसर करेक्ट है, सचिन मेहरा यानी कि कागल का ठीक है, रिया का ठीक है, और सुटेबल गेमर का ठीक है, आयुष का ठीक है, अवधेश का ठीक है। हाँ ठीक है, और कौन बच्चे हैं? और कुछ बाकी लोग है ना चैट में भी लिख रहे हैं, तो उन लोगों का भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है हाँ, अफजल का भी ठीक आंसर आया। ओके तो बच्चों अब मैं आप सभी को इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना, तो 15 को एज इट इज लिख दो, 12 को एज इट इज लिख दो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई बेटा माइनस होता है, -3 लिख दो। मैंने कहा था किसी भी दो लोगों का पेयर बना लेना, चलो मैंने सबसे पहले वाले का पेयर बना लिया, तो ये 15 प्लस में है, ये 12 माइनस में है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो 12 सॉरी 15 में से 12 जाता कितना आता है, 3 आता है। अब आप देखो कि 15 एक ग्रेटर नंबर है रदर देन 12 है, यानी कि 12 एंड दैट्स व्हाई +3 आएगा, और ये -3 आपको एज इट इज लिखना पड़ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर 0 आ गया। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ डिवीजन। देखो बेटा मैंने आपको है ना सबसे पहले यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उस प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, और आज के लेक्चर में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, और अब मैं सिखाने वाला हूँ डिवीजन। आर यू रेडी फॉर दिस? यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलो बेटा, तो मैं कुछ रूल सिखाना चाहता हूँ सवाल करवाने से पहले, है ना। कुछ रूल्स आप सीख जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। रूल्स बहुत ही छोटे छोटे से हैं, सीखो। रूल ये है कि अगर आप दो सेम साइन वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप डिवाइड कर रहे हो बेटा -26 को, ठीक है, -26 को -2 से, ठीक है, -2 से डिवाइड करता हो। इससे होगा क्या कि देखो ये सेम साइन है, और मैंने अभी को बोला था कि जब सेम साइन होगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो आप बस, कितने बार में जाएगा? 13 बार में, क्योंकि 13 2 26 होता है, ठीक है, 13 2 26 होता है। अब आप कहोगे सर ये प्लस में हो गया माइनस में, मैं कहूंगा सेम साइन है कि अलग अलग है, तो आप देख करके बताओगे, ये बताओगे सर ये तो सेम साइन है। तो बच्चों जब भी सेम साइन होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। एक रूल और है डिफरेंट साइन का। बच्चों मान लो अगर डिफरेंट साइन है, जैसे कि मान लो -26 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ 2 से, तो जब डिफरेंट साइन है तो हमेशा जो आंसर आता है बेटा वो माइनस में आता है। तो 26 को 2 से डिवाइड करो 13 ही आएगा। अब आप कहोगे सर माइनस लिखे या प्लस लिखे, मैं कहूंगा साइन देखो सेम है या डिफरेंट है, तो आप कहोगे सर डिफरेंट है, 2 प्लस में है, 26 माइनस में है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि ये माइनस में है, ठीक है। चलो इज इट क्लियर? अच्छा अवधेश कितना? अवधेश यस सर। बच्चा है, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? अवधेश कोई प्रॉब्लम है? ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम है? चलो सबको क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक यस सर। है, मैं कुछ और सिखाना चाहता था। जैसे कि मान लो अभी तो मैंने ये माइनस ले लिया, मान लो अगर ये प्लस में लेता तो, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 50, और 50 को बेटा मान लेते हैं मैंने 5 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में सर। क्यों बेटा? प्लस में क्यों? सेम साइन है। सर सेम बहुत बढ़िया बेटा, सेम साइन है, तो ये 10 5 50 हो जाएगा, यानी प्लस में आएगा। अच्छा चलो एक इसमें सिखाना था, इसको भी सिखा दिया जाए। अभी को देखा था आपने कि जो माइनस में लिया था वो ऊपर लिया था। लेट सपोज अगर यही क्वेश्चन माइनस होता, मान लेते हैं क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, तब बताओ बेटा इसका आंसर। -5 माइनस -5 -5 बहुत बढ़िया, ठीक -5 है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, देखो हाँ -5 बिल्कुल, देखो
डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा, सेम साइन होगा तो प्लस में आएगा. बेटा अब आप लोग सवाल करने के लिए रेडी हैं? यस सर. यस सर. चलो पहला क्वेश्चन करके मेरे को आंसर बताओ चैट में. पहला क्वेश्चन 12 डिवाइडेड बाय 4. चलो बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप लोग बताते चले जाना. 3 होगा क्योंकि देखो सेम साइन है, सेम साइन को डिवाइड करोगे प्लस में ही आएगा, तो 12 डिवाइड करोगे 4 से 3 आ जाएगा. बेटा इस वाले का सेकंड बताइए, इस वाले का सेकंड बताइए, सेकंड कितना आएगा? हाँ सेकंड भी बेटा प्लस 3 ही आएगा. कैसे आएगा देखो, माइनस 12 है और माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सेम साइन है दोनों का, तो प्लस 3 ही आएगा. अच्छा बच्चों ये तो हो गया. इस वाले का फर्स्ट बताओ, राइट हैंड साइड वाले का, फर्स्ट वाले का बताओ. अच्छा माइनस 3 आ रहा है ना सबका, सही है. क्यों? क्योंकि साइन जो है वो डिफरेंट है, तो आपका आंसर बनेगा माइनस 3. अच्छा इस वाले का आंसर बताओ, इस वाले का भी माइनस 3 बन रहा है ना. हाँ क्यों? क्योंकि देखो 12 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं माइनस 4 से, डिफरेंट साइन है, तो बड़ा इसका भी माइनस 3 बनेगा. सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर. यस सर. ओके अब हाँ, अब मैं आप सभी को कुछ सवाल करने के लिए दूंगा. सवाल क्या है? पहला सवाल है माइनस 15 डिवाइडेड बाई माइनस 5. आप चाहो तो ब्रैकेट को हटा देना, आप चाहो तो सर. ठीक है यस. बेटा आप सभी लोग जानते हो इसका उत्तर कहाँ देना होता है, तो मैं बोर्ड सेक्शन ऑन कर देता हूँ और चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ. हो गया सर. ओके सर आई एम डन. गुड सर हो गया. वेरी नाइस सर. स्कोर हाँ स्कोर मैं बता देता हूँ बेटा. 15 बच्चों का, अच्छा 16 हो गया क्या? 16 हो गया. 16 बच्चों का करेक्ट आंसर है एंड एक सेकेंड यार 16 है. 16 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर. अच्छा ये 17 हो गया. वेरी गुड, इंक्रीज हो रहा है ना, 17 हो चुका है ये नंबर. बाकी लोग भी बताइए. बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करिए है ना. अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है. सारे बच्चे आंसर कर दीजिए बच्चों, सारे बच्चे आंसर कर दीजिए. चलो 18 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है 18 बच्चों का करेक्ट आंसर. अब मैं चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूं और पोल को बंद कर देता हूं. यू कैन शो योर नोटबुक, यू कैन शो योर नोटबुक. ठीक है सुटेबल गेमर्स का ठीक है, अवधेश का ठीक है, प्रिंस का ठीक है, रिया का ठीक है. ओके बच्चों अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5, सेम साइन है तो आप इजीली बस इसको डिवाइड कर दो. 10 टाइम्स में जाता है तो 10 लिख दो और ये प्लस का 10 होगा क्योंकि सेम ही साइन था, तो डी वाला पार्ट करेक्ट होगा. क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर. यस सर. अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके मेरे को बताओ. माइनस 169 है और इसको 13 से डिवाइड करा जा रहा है, तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ और बच्चों मैं पोल को ऑन कर देता हूँ. ठीक है चलो मैंने पोल को ऑन कर दिया. सारे बच्चे आंसर करिए. 3 बच्चों का
तीन बच्चों का करेक्ट है, अच्छा इंक्रीज हो गया नंबर, गुड गुड। 10 बच्चों का, ओके 10 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, किसी का इनकरेक्ट है ही नहीं। इस बार आप लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है, इस बार सभी ने बहुत ही शानदार काम किया है। 15 बच्चों का करेक्ट आंसर, किसी का इनकरेक्ट नहीं है अभी तक बेटा। अब जाकर के है ना, अब जाकर के एक बच्चे का इनकरेक्ट हो गया और 17 बच्चों का, अच्छा 19 हो गया क्या, हाँ 19 बच्चों का करेक्ट आंसर, 20 हो चुकी है संख्या, बहुत बढ़िया, 20 करेक्ट और बेटा 2 लोगों का इनकरेक्ट। बाकी लोग भी है ना आंसर करिए। ओके बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। टोटल टोटल 21 बच्चों का करेक्ट है, टोटल 21 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ एंड चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी है ना, आप लोग सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ठीक है, मैं ढेर सारी कॉपियां देख पा रहा हूँ, सभी बच्चों का करेक्ट है। हाँ मुस्कान आपका करेक्ट, रिया करेक्ट, प्रिंस करेक्ट, चलो सुटेबल करके बच्चा मतलब करेक्ट है। मोनू का बेटा, मोनू आपका थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है क्योंकि आई थिंक आपने प्लस का 13 लिखा है क्या। काजल का करेक्ट आंसर, अवधेश का करेक्ट आंसर, चलो मोनू आपने क्या लिखा है, प्लस का 13 या माइनस का 13। चलो अब मैं इसको सिखा देता हूँ। देखो बच्चों, सेम साइन नहीं है तो इसलिए माइनस में आएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस 13 आपको मिल जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर बेटा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दें सर। यस सर, ठीक है, इसी टाइप का कुछ एक और क्वेश्चन दे देते हैं। देखो क्वेश्चन है 1020 यानी 1020 को डिवाइड करना है माइनस 10 से और फिर आपको आंसर बता देना है। तो मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया, आप लोग आंसर बता दो। ओके सर, गुड बेटा। सर हो गया, गुड गुड। सर स्कोरबोर्ड बना दो। हाँ बेटा, 14 बच्चों का, अच्छा नहीं 15 बच्चों का इस समय करेक्ट हो चुका है एंड मैं देख पा रहा हूँ कि 3 बच्चों का इनकरेक्ट, 15 का करेक्ट, 3 बच्चों का इनकरेक्ट। बाकी लोग भी कंफर्म करिए आंसर। हो गया, ठीक है बच्चों।
अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप सभी बच्चे अपनी अपनी है ना नोटबुक को चेक करा सकते हो, अपने अपने नोटबुक को चेक करा लो, ठीक है। सुटेबल गेमर करेक्ट आंसर, अफजल करेक्ट है, रिया करेक्ट है, मुस्कान करेक्ट है, अवधेश करेक्ट है, मोनू करेक्ट है, प्रिंस करेक्ट, ठीक है, चलो आयुष करेक्ट आंसर, ठीक है, काजल करेक्ट आंसर, ठीक है, आप उसको प्रॉपर वे में लिख दो काजल। तो बेटा देखो माइनस का 102 आएगा क्योंकि ये सेम साइन नहीं है, अलग अलग है तो माइनस में आएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर बनेगा -102। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमको बताइए जल्दी से। क्लास यहीं पे ओवर होती है, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है। अच्छा, तो अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपने लिख करके भेजा था अपना नाम, एसआरएन नंबर? हाँ यस सर, फिर भी अभी नहीं हुआ है, एक बार फिर भेज देता हूँ। हाँ एक बार आप फिर भेज दीजिएगा।